स्टेज पर बढ़ाई का तशरीफ लिया है और आज की इस महफिल के सदर जनाब अब्दुल अहद साहब से गुजारिश करता हूँ कि बढ़ाई का स्टेज पर तशरीफ लिया है। मोहतरमा नशीदा गाजी साहब से गुजारिश है कहा अपनी आई की बात करें और आज के इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं उर्दू मरकज की बरखावतीन की कन्वीनर प्रोफेसर शबाना खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और आज की मीटिंग की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएं। प्रोफेसर शबाना खान सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ हमारे आज की जनाबी सर मोहतरम अब्दुल अहद साहब हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा रशीदा काजी साहिबा और उर्दू मरकज के रूही रवा जनाब जुबैर आजमी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब फरीद खान साहब और इसके अलावा आप तमाम का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। रस्म दुनिया भी है दस्तूर भी है लिहाजा ये रस्म दुनिया भी निभाना है दस्तूर भी निभाना है हालांकि दिल इससे कहीं ज्यादा कुछ पेश करने को चाह रहा है मगर फिलहाल फूलों से काम चलाया जा सकता है। तो मैं जनाब जुबैर आजमी साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे आज के सदर जनाब अब्दुल अहद साहब को का इस्तकबाल फूलों का गुलदस्ता लेकर करें और जनाब फरीद खान साहब से कहती हूँ कि वो उनको शाल पहना करके उनको पैसा भेजें। अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आ जाएंगे। हमारे आज की महफिल रौनक जनाब मोहतरमा शहनाज शाजी साहिबा के लिए कुछ लोग जो हैं वो बुलाए अकीदत पेश करना चाहते हैं मैं उनका नाम अनाउंस कर रही हूँ प्लीज वो आए और बुलाए अकीदत पेश करें। जनाब सादिक सर हाशिया हाई स्कूल तरक्की करनी है कैसे बनानी है तो बस लगभग उस तरफ मगर अदब दो दिलों को नहीं बल्कि सरहदों को जोड़ने का काम करता है। सारी सरहदी हद बंदियां तोड़कर एक दूसरे की तहजीब सहाफत शायरी सभी कुछ को दामन फैलाकर अपने आप में समेट देता है। दोस्तों मैं जो सरहद पार की बात कर रही हूँ तो आपको बताती चलूं कि हिंदुस्तान शाजी साहिबा की का ससुराल है और पाकिस्तान उनका मायका तो उन्होंने दो सरहदों को जोड़ने का काम बहुत खूबी के साथ अंजाम दिया। इसी सिलसिले में मैं उन्हीं की ये तहरीक पढ़ रही हूँ कभी नारसाई की मकबूलियत सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रही बल्कि इसकी रसाई सरहदों से गुजरती हुई कराची आर्ट तक भी हो चुकी है क्योंकि वीजा तो इंसानों को लगता है जज्बा को एहसासात को नहीं। खुश आयन खबर ये है कि कर्बे नारसाई का एक एडिशन अब कराची में भी शाये होने जा रहा है। मैं अगर इस बात पर तालियां होनी चाहिए इस अंदाजे पजीराई में कर्बे नारसाई के मयार वाजे सुरू हैं ये उनकी अपनी तहरीर वजूदे जन से ये तस्वीरें कायनात ने रंग शाजी साहिबा ने दस्त नारसाई में जिंदगी के सारे रंग भर दिए हैं और समोसा बिखेरती नजर आती हैं वो अपनी शायरी में। उनकी शायरी में जो दर्द कसर शोखी और प्यार का रंग नजर आता है उसको देखकर ये कहना कतई गलत न होगा कि जिंदगी के तजर्बात और एहसास पर उनकी गहरी नजर है। आपके और उनके दरमियान अब मैं ज्यादा देर नहीं खड़ी रहूंगी इसलिए कि
आज की महफिल रौनक वही है, तो बेहतर ये है कि मैं आपके और उनके दरमियान से हट जाऊं ताकि आप उनके कलाम से और उनके कलाम पर जिन साहिबात ने अपने तफसीरें किए हैं आप उनसे लुत्फ अंदोज हो सकें। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आवाज दे रही हूँ मोहतरमा शादाब साहिबा को। ये मुमताज नाजा साहिबा के का तफसीरा जो है वो पढ़ेंगी। मुमताज नाजा साहिबा जो है वो एक अजीम शायरा है और उनका मजमुआए कलाम हिंदी में शाये हो चुका है और इसके अलावा वो मोहतरम अजीज नाजा साहब की अहलिया भी हैं। जी वो इसलिए नहीं है कि शी इज हॉस्पिटलाइज, उनके पैरों में तकलीफ है और जी और इसीलिए वो नहीं आ सकती, लेकिन उन्होंने अपना तबसीरा भिजवाया है। तो मैं शादाब साहिबा से इंतजार करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। कोशिश की कि उनके हर जो भी उनकी तकलीफें हैं उनको रफा दफा करके उनके यहाँ तक पहुँचने में उनकी मदद कर सकूँ, जितना भी हो सका हमने किया। बहर हाल फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजुक एहसासात की शायरा शहनाज शाजी। शहनाज शाजी के मजमूए कलाम के रस्म इजरा की खबर मेरे लिए बड़ी खुशी का बाइस है। मेरी ख्वाहिश थी कि यह पर्चा मैं खुद पढ़ती। मेरी ख्वाहिश थी कि यह पर्चा मैं खुद पढ़ती। बड़ी शिद्दत से इस दिन का इंतजार था, मगर हर ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो कि जरूरी तो नहीं थी। इस दुनिया का निजाम इंसान की ख्वाहिश से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रजा से चलता है। सो मेरी अलालत ने मुझे इस जलसे में शामिल होने की इजाजत ना दी। खैर, शहनाज शाजी से मेरी पहली मुलाकात उर्दू मरकज के जश्न इकबाल के दौरान एक मिसाई नशिस्त में हुई थी। उन्होंने भी वहाँ गजल पढ़ी थी और गजल पढ़ने से पहले एक मुख्तसर मिजाहिया तकरीर की थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। बाद में मैंने उससे उसका जिक्र भी किया था, तब मुझे कहाँ पता था कि हस्ती खिलखिलाती इस शोक से साथ शाजी ने अपने दिल में कितने तूफान समेट रखे हैं। और यही नहीं, इन तूफानों को बड़े सलीके से समेट कर अशार में कैद करने का हुनर भी जानती हूँ। जी हाँ, यह हुनर इसे आता है और खूब आता है। शहनाज शाजी ने मोहब्बत के नाजुक एहसास को अल्फाज का पैराहन पहनाया है और इस खूबसूरती से पहनाया है कि उनका खुश निकल निकल गया है। रिश्तों के रेशम को अशार के ताने बाने में पिरोना इन्हें खूब आता है और इस मजमूए कलाम में उनके इस फन की अक्कासी होती है। उनकी गजलें उनकी जिंदगी का आईना है। शहनाज शाजी की विलादत पाकिस्तान में हुआ, लेकिन जिंदगी की राहों के पेचोपन ने उन्हें हिंदुस्तान मुंबई में ला पहुंचाया और इन दोनों मुल्कों की सरहदों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं खोज गई है शायद। उनके अशार में पहचान का ये दर्द बड़ी शिद्दत से उभरता है। जैसे कि वो कहती हैं, घर के सारे दुख अचानक अजनबी लगने लगे, लौट के परदेश से आए तो अंदाजा हुआ। या फिर रेत बन बन के चुभे जाते हैं आंखों में मेरी, रेत बन बन के चुभे जाते हैं आंखों में मेरी, मैंने जो ख्वाब सजाए थे कभी बचपन में। शहनाज शाजी की शायरी इश्कों और जज्बात के चारों जानिब गर्दिश करती है। उनका कलम मोहब्बत के हर मंजिल को छूकर गुजरता है, हर मरहले पर रुकता है, इश्कों के हर मसले को दर्ज करता है और एहसास को जबान देता है। मसलन कभी वो तंज करती है, बहुत नायाब होते जा रहे हो, बहुत नायाब होते जा रहे हो, कहो मिलने का कितना मोल लोगे। कभी जिंदगी से उनका शिकवा यूं आया होता है, जिंदगी पूछे अगर हंसता मिजाज इंतकाम मुस्कुराना चाहते, जिंदगी पूछे कभी अगर हंसता मिजाज इंतकाम मुस्कुराना चाहते, कभी उनकी तड़प क्यों बोया होती है, कभी तुमने लगाई थी कलम जख्मों के इश्कों में, कभी तुमने लगाई थी कलम
जख्मों की रिश्तों में तो देखो शाख दिल पर दर्द के कितने गुलाब आए, देखो शाख दिल पर दर्द के कितने गुलाब आए, क्या फिर समाज का लहू इसने लगा है तेरी आवाज का मरहम नहीं है। और सदा दे मुझे मैं कहीं मर न जाऊं कि दश्ते समाज में सूखा पड़ा, सदा दे मुझे मैं कहीं मर न जाऊं कि दश्ते समाज में सूखा पड़ा है, या फिर जख्मों की फसल काटेगा ताउम्र देखना, जख्मों की फसल काटेगा ताउम्र देखना, कांटे उगा रहा है रिश्तों के खेत में, तूफान से पहले की खामोशी के बदन में तिलक से अब बरसरे पिकार नहीं है, अपने ही आंसुओं के समुद्र में डूब कर कितने ही पाप करते हैं हर रोज खुशी, अपने ही आंसुओं के समुद्र में डूब कर कितने ही पाप करते हैं हर रोज खुशी, या फिर रुमानियत का ये जज्बा करने लगी है उसकी खामोशी में गुफ्तगू, करने लगी है उसकी खामोशी में गुफ्तगू, उसने सुकून और भी शादाब हो गया। इसी तरह उनकी नज़मों में भी रिश्तों के रंग जो बिखरे पड़े हैं, ये नज़्म माँ तेरे जाने के बाद, माँ के इंतकाल के बाद बेटी के दिल से उभरती सिस्टियों को अल्फाज देती है, कराची में छोटी बहन के नाम तक बदलते वक्त के साथ रिश्तों में पैदा होने वाले जम्मू को आवाज़ बख्शती है। उसके अलावा दीगर नज़में जैसे कर्तजार, इसमें आज़म, वो आँखें, दश्त वीरा और सुनो जाना की इंसानी जज्बात की बेहतरीन अक्कासी करती है। कौन की शायरी बेऐब नहीं है, लेकिन जब राह बनना हो तो राह के जीरो पर अंदाजा नहीं होता, ऐसे में लफ्जिशें होना तो लाजमी है, लेकिन भले ही इनकी शायरी में सजावट नहीं है, लेकिन सच्चाई जरूर है, तसन्नो नहीं है लेकिन सादगी जरूर है, और उनके कलाम की यही सादगी और सच्चाई सीधा हमारी दिल में उतरती चली जाती है। और मैं समझती हूँ कि यही शहनाज शाजी की सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी जीत है। मजमुए में कहीं कहीं इदारत और प्रूफ की गलतियाँ करती हैं, लेकिन इनकी तादाद दाल में नमक के बराबर है। बिलाफिल में शहनाज शाजी को उनके इस नायाब मजमुए कलाम के शाद पर ढेर मुबारकबाद देती हूँ, और दुआ करती हूँ कि उनके इस नर में नारसाई को अल्लाह बेहिसाब रसाई अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया शादा। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ दे रही हूँ जो जलगांव से यहाँ तशरीफ लाए हैं, और उनका इतनी दूर से यहाँ आना इस बात का एहसास दिलाता है कि शहनाज शाजी साहिबा का तारुफ कहाँ तक पहुँच चुका है। मैं आवाज़ दे रही हूँ जनाब डॉक्टर शमीर नाजिम साहब को। जलगांव में मजमू एकेडमी के चेयरमैन हैं, एक किताब शाये हो चुकी है, तीन सदाबहार रातें, मजमू साहब के कयाम जलगांव की रुदा है। जनाब डॉक्टर शमीर नाजिम साहब। आपकी नजर में गजल का सबसे उम्दा शेर किन औसाफ से आरास्ता होना चाहिए?
जाफी साहब ने फरमाया था, गजल का वो शेर सबसे उम्दा जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। बस यूं लगा कि ये तारीख करते आखिर है, इससे उम्दा तारीख गजल के शेर की हो ही नहीं सकती। फिर यही सवाल मैंने मरहूम मजरूर सुल्तानपुरी से किया तो उनका जो जवाब था वो सरदार जाफरी की तारीफ से सिवा था। मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो से समझे, ये मैंने चलती देर में अपने जज्बात कलमबंद किए हैं। क्या कर रहा था सरदार जाफरी साहब से मैंने जब पूछा कि गजल का शेर उसमें कौन से औसाफ होने चाहिए जो आप जिसको ये माने कि वो सबसे अच्छा गजल का शेर है, तो उन्होंने कहा था कि गजल का सबसे अच्छा शेर हो जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे, उसमें कोई सजावट कोई बनावट उसमें ना हो। तो मुझे लगा कि ये गजल के शेर की तारीफ में एक हर्फ आखिर का दर्शा रखती है ये जो उनकी तशरीह है गजल शेर के मुताबिक जो उन्होंने कहा। इसके बाद मैंने मजरू साहब से यही सवाल किया तो मजरू साहब ने कहा कि गजल का वो शेर सबसे उम्दा जो आप पर वज्र की कैफियत तारी कर दे, जो आपके होश हवास को गुम कर दे आप पर वज्र की कैफियत। लिहाजा ये जो दो तारीफें मेरे नजदीक गजल की उम्दा शायर की है वो मेरे लिए एक कसूर की ऊपर दर्जा रखती है और मैंने इन्हीं कसूर की ऊपर शाजी की शायरी को परखा तो लगा कि ये कलाम बलागत इन कसूर की ऊपर सुरखुरु होता है। शाजी का ये मतला समाप्त फरमाए, कोई खाकी बिछोना चाहती हूँ मैं अब जी भर के सोना चाहती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है लकद खलकनल इंसान फी कब्र, बेशक इंसान को पैदा करके हमने उसे मशक्कत और उलझन में डाल रखा है। सो वाज़े हुआ कि जिंदगी तो इस्तराब से मंसूब है, अथला सो कम खाब नरम गलीचे और दौलत की फरावानी से इंसान जी भर सो नहीं सकता। हाँ अलबत्ता खाकी बिछोना ही उसे पुरसुकून नींद अदा कर सकता है। इस शेर के माने अगर ये नहीं कि मौत के बाद ही इंसान पुरसुकून नींद सो सकता है तो ये निश्चित दुरुस्त होगा। दरअसल बैनु सुतूर उन्होंने उन आमाल की समत भी इशारा किया जो उसे पुरसुकून नींद अदा कर सकते हैं। खाकी बिछोना ये अलामत इंसान की हकीकत और उसकी मंजिल की तरफ इशारा करती है। एक बहुत अहम शेर उनका मैं पेश करने जा रहा हूं आज़री निगरान, बहुत अहम शेर है। वो शेर ये है, जुदा होने से पहले इस जहां को खुद अपने में समोना चाहते हैं। ये वो आला व अरफा जज्बा है जो हर मुस्लिम कौम का शाने इम्तियाज रहा है। तमाम आलम को अपना हम ख्याल बनाने के लिए एक रूह तमाम जिस्मों में समो जाने के लिए बेकरार है। बिला शुबा ये शायरी की मेराज है, यही तो वो मकाम है जहां शायरी पैगंबरी का जुज करार पाती है। उनकी गजलें जिंदगी के घनत रंग पहलुओं को दर्शाती हैं, जहां मायूसी है तो मायूसियों में जीने का जज्बा है और हसीन तमन्नाएं भी हैं। उनकी एक गजल से चंद अशआर समाप्त फरमाएं, अंधेरी रह गुजर है और मैं हूं, गुरेज़ा हम सफर है और मैं हूं, खुद अपना चाक दामन सी रही हूं, मेरा दस्ते हुनर है और मैं हूं, और तबे रुखसत ही वो आ जाए शासी, तमन्ना मुख्तसर है और मैं हूं।
इस किताब के हिस्से नज्म का मुताला करें तो मालूम होता है कि शाजी ने अपने शेरी इंतखाब का नाम दर्द नारसाई क्यों रखा है। एक नज्म है माँ तेरे जाने के बाद, जो कराची में उनकी वालिदा के अचानक इंतकाल पर लिखी गई है। नज्म इसमें आजम भी माँ की याद का नुहा है। एक नज्म है कराची में अपनी छोटी बहन के नाम एक पत्र, और एक नसली नज्म करबेजाद जो बहुत दर्द हुई है उसके चल मिश्रे समाज में करबेजाद। मैं अपने मुनकसिम वजूद के साथ जीते जीते थक चुकी समाप्त करें। मैं अपने मुनकसिम वजूद के साथ जीते जीते थक चुकी हूँ, दो देशों में बढ़ते बढ़ते मेरा वजूद अपनी इकाई खो चुका है। दोहरी शनाख्त का कर्ब अब तो रवैयों में भी सराहियत कर गया है। बड़ा तीखा मिश्रा है, रवैयों में भी सराहियत कर गया है। बहरहाल बड़ी दर्द भरी नज़्म है, काबिले मुबारकबाद है वो लोग जो अपनी महरूमियों से भी कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं। शाजी ने इन महरूमियों से बहुत कुछ हासिल किया है जिसका इतराफ उनके शेर में पिनहा है। वो शेर यूं है, अकर्बे ना रसाई, अकर्बे ना रसाई की शिद्दत तुझे सलाम, अकर्बे ना रसाई की शिद्दत तुझे सलाम, इस बेहुनर को साहब ने दीवान कर दिया। यौम इकबाल पर अलामा इकबाल की जमीन में शाजी ने बहुत खूबसूरत गजल कही है जिसका मतला है समाप्त करें। बिल्कुल इकबाल का मिजाज और शाजी का मतलब, पका चाहता हूँ फना चाहता हूँ, पका चाहता हूँ फना चाहता हूँ, कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ। इस शेर से वो वाकया याद आ गया जिसे अतरिया फैजी ने अपने रोजनामे में तहरीर किया था। वो लिखती है, बड़ा खूबसूरत वाक्य है समाप्त करें इस शेर के तनाजुर में। वो लिखती है, आज नदी के किनारे पार्टी हुई जिसमें प्रोफेसर आर्नाल्ड ने जिंदगी और मौत के फलसफे पर गुफ्तगू की। आखिर में इकबाल ने एक बात कही और गुफ्तगू वही खत्म हो गई। इकबाल ने कहा, जिंदगी मौत की शुरुआत है और मौत जिंदगी की, जिंदगी मौत की शुरुआत है और मौत जिंदगी की। अब इस तनाजुर में शाजी का ये मतलब इकबाल के लिए कहा गया, दोबारा समाप्त करें। बका चाहता हूँ फना चाहता हूँ, कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, शाजी ने इस फलसफे को कितने उम्दा तरीके से शेर में होता। बहरहाल गुफ्तगू तवील हो गई, किताब अब आपके हाथ में है। आखिर में दुआ है कि बहन शाजी का ये शेरी सफर यूं ही अस्म के साथ रवा दवा रहे, इस किताब को वो खातिर का पजीराई मिले जिसकी ये बजाय तौर पर मुस्तकिल मिले। खुदा बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर शफीक नाजी साहब। कोई खाकी बिछाना चाहती हूँ मैं अब जी भर के सोना चाहती हूँ, या फिर सदा दे मुझे कहीं मर न जाऊं के दस्ते सदात में सूखा पड़ा है। एक कर्म है एक दर्द है, मगर इस दर्द और इस कर्म में मायूसी नहीं है। जीने की उमंग है कि चाहे हालात जो भी हो, हालात से लड़ना है और लड़ करके उभराना है। आज दोस्तों हमारे बीच हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जो हम सबकी बुजुर्ग भी हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इल्म का बेकरा समंदर अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। बेपना तालिबान उन्होंने बनाए हैं और उन तालिबान से आज भी उनका रिश्ता वही बरकरार है।
मैं आवाज दे रही हूँ मोहतरमा रशीदा काजी साहिबा को कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। मोहतरमा रशीदा और आपकी नसर की कुदरत के कायल हो गए और ये
मालूम हुआ कि आपने खैर से ज़राफ़त का माता के बहुत है और अब आपने सामयीन का एक खुशगवार मूड जो था वो कायम रखा। हाजरीन कराम, उर्दू मरकज अपनी इब्तिदा से उर्दू के बका और उर्दू के फरोग के लिए जरूरी खिदमात अंजाम दे रहा है। उर्दू मरकज अपने यहाँ हिंदुस्तान और बैरून हिंदुस्तान के शायरों की अदीबों की पज़ीराई करता है, उनकी एक ताज़िया की नशिस्तें मुनक़द करता है, किताबों का इजरा करवाता है। उर्दू को मसाइल दरपेश हों तो उन मसाइल का हल ढूंढने के लिए भी यहाँ महफिल मुनक़द की जाती है। और ज़ुबैर आज़मी साहब और फरीद खान साहब, आपने जो चौक बनाया उर्दू मरकज चौक, तो मैं समझती हूँ आपका एक कारनामा है। और साहबान, मुझे इस वक्त तारीफ का एक शेर याद आ रहा है। गालिब ने कहा था, अपनी गली में मुझको न कर दफन बात कर, अपनी गली में मुझको न कर दफन बात कर, मैं तेरे पते से मेरे पते से खैर को क्यों तेरा करूं। तो आप हजरात के लिए आज ये घर एक निगारखाना बना हुआ है। वैसे जैसे उनके कामों में मैं जो अपनाइयत और अखलास देखती हूँ, वही चीज मैं उर्दू मरकज के हाजरीन में देखती हूँ कि वो भी उर्दू की मोहब्बत में खींचे चले आते हैं। जहाँ जगह मिली वहीं बैठ जाते हैं, कभी किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होता, हिफ्ज़े मरातिब का और अदा का सवाल कहीं नहीं होता, एक अपनाइयत की लहर और अपनाइयत की फसा होती है जो यहाँ रवाना है। अब आप सोचते होंगे कि मुझे कुछ कहना चाहिए मोहतरमा शहनाज शाजी साहब के बारे में, और मैं बस तारीफ करती जा रही हूँ अपने छोटे भाई साहिबान की। तो अब मैं अपनी छोटी बहन की तरफ आती हूँ। शहनाज शाजी साहिबा से मेरी जाती मुलाकात है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती। रह गई इनकी किताब या इनका मजमूए कलाम कर बिना रसाई, तो उसके बारे में क्या कहूँ कि किताब देखने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। अब जो देख रही हूँ तो वो सरवरत में महसूस हो उसमें नजर आ रही है। मुझे इस वक्त शफीकुर रहमान याद आ रहे हैं। उर्दू के एक बहुत अच्छे मजाकिया निगार थे, उन्होंने एक मजमून लिखा है बेबे, उसमें उनसे किसी ने सवाल किया, आप इतनी सारी किताबों पर बैक वक्त रिव्यू कैसे लिख देते हैं। इस पर उनका जवाब था कि रिव्यू यानी तबसरा, लिखते लिखते मैं इतना मच गया हूँ मियाँ कि किताब को दूर से देख कर रिव्यू लिख देता या महज किताब उठाकर सूख कर रिव्यू लिख देता। हाँ, मुझे आपके चेहरे मुहर्रम पर एक तकद्दुस नजर आ रहा है जो शायरात में बहुत कम पाया जाता है। मुशायरों में जब भी जाने का इत्तेफाक होता है तो मालूम नहीं शायरात को देखकर नजरें खुद ब खुद झुक जाती है। नाज़ो अदा, पाटदार आवाज, मुतरन्नम वो लहजा गागा के सुनाना और मानी नदारत होती कलामों में। तो साहब, ऐसे ही एक मुशायरे में
यहाँ एक साहिबा, एक शायरा लहक लहक कर अपना कलाम सुना रही थी, बड़ी अदा से सलाम किए जा रही थी। मेरे एक अजीज मेरे करीब बैठे थे, बहुत खुश होके कहने लगे, क्या शायरी है, वल्लाह देखते रह लो।
रहा सवाल शहनाजबाजी का, जब इन्हों का पहले आपको पता है कि ये हमारी उर्दू मरकज की जो फैमिली है पूरी निकुम्बा है, खानदान है, हज़रत ख्वातीन जब 2007 में उर्दू मरकज यहाँ पर आया, 2008 या 9 में हम लोगों ने बदमे खातिब बनाई, तो पहला जो शेर इन्होंने पढ़ा वो खातिब बिस्तर वाला। तो यूं होता है कि आदमी जा रहा हो या किसी सोच में हो, लेकिन जो शेर आदमी के रूह में कोई पत्थर मारता, कंकर मारता, वो जो पानी की तरह वो रिपल्स निकलते हैं, तो इनका जब शेर सुना कि मैं कोई खाकी बिछवाना चाहती हूँ, तो वो जो शेर कहने का लहजे का जो मतलब अंदाज मालूम पड़ता है, तो मालूम पड़ता है कि वाकई में कुछ बात है। मतलब ये नहीं कि मतलब हमारे यहाँ तो पूरी निस्वानी शायरी की समझे की रिवायत है, लेकिन बाजू में जब हम लोगों ने सुना तो मतलब ये कहा कि भाई ये कुछ है वह नहीं है जो कि मुशायरे में जो लोग पढ़ते हैं, अच्छेलों में पढ़ते हैं, इसी बात की है, लेकिन कुछ बात है। और खास बात यह है उर्दू मरकज का जो कयाम जिन जिन वजूहत के लिए हुआ, एक वजूहत ये भी थी कि वो खवातीन जो कि बाहर अपने टैलेंट को कह नहीं सकती, बाहर तो परफॉर्मेंस ज्यादा होता है, कलाम हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक घरेलू माहौल में जो अपनी सारी जमालियात जो शायरी की शक्ल में हो या नस्ल की शक्ल में हो, तो यहाँ आने के बाद ये चार दीवारी के बीच जो ये सिर्फ चार दीवारी ईद और गाले की नहीं है, बल्कि इसमें वो कोजीनेस, वो अपनापन है, वो सिक्योरिटी है, जहाँ हमारी जितनी बाजी है, जितनी आवाज, जितनी बहने हैं, सब आके जो है अपने अंदर की जमालियात जो है शायरी की शक्ल में जो है ये ले लिया। इसीलिए अल्लाह के करम से जो है इसमें 7-8 साल में जो है आप लोगों की दुआ से हम कुछ काम करने की कोशिश कर सके। और हर सवाल जो है वो तलवार वाली जो बात है ना, तो वो तलवार बाजी हम पे भी थी, क्योंकि बीएमसी की पॉलिसी यही आई है कि जो भी एनजीओ है वो मुंह खाली करे। तो हमने कहा है कि भाई देखिए लोहा लोहे को काटना, हमने फौजी तौर पे ये कहा कि भाई पहले उर्दू मरकज शॉप यहाँ करो, कम से कम बीएमसी जब खाली कराने आएगी इतना तो लिहाज होगी कि भाई हमारे नाम पे आपने जॉब रखा है, अब आप हमको घर से बाहर करोगे क्या, वो गाली वाला चीज जो है। तो बहरहाल आज बाजी की जो शायरी भी ये है, और खास बात ये है बाजी जनवरी में जो है हिंदी बाजार उर्दू फेस्टिवल जो है वो 3 रोजा हुआ, बाजी का ये था कि मैं 6 महीने के बल्कि पूरा साल वेट करूंगी, उर्दू मरकज बन के जब तैयार होगा मेरी किताब का इजरा जो है यही होगा, और आज वो दिन आ गया, ये मैंने बाजी भी आ गया। और सारे मतलब जहां से लोग यहाँ आते हैं हर एक की बातें, हमने ना तो लेफ्ट रखा है ना राइट रखा है, जो आदमी उर्दू का शेदाई है उसके लिए जो है उर्दू मरकज के जो है वो दरवाजे खुले हैं। हाँ एक बात ये है कि जो भलाई की तरफ लोगों को बुलाना और बुराई से रोकना, तो अदब में भी हम लोग कुछ लोगों के लिए ऐसी भी लाइन होती है कि जो किसी भी ये एंटी शरीयत या वो लाइन की है, अदब का काम होना चाहिए लेकिन हुदूद के लिए, ये उर्दू मरकज का ये है। आखिर में मीर का एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, सरसरी तुम जहां से गुजरे वरना हर जात जहां दीगर था। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, अदब जिंदगी का तर्जुमान होता है, नॉवेल हो, कहानी हो, किस्सा हो, दास्तानी हो या फिर शायरी हो, जिंदगी का अक्स उसमें जा बजा नजर आता है। और शहनाज शाजी साहिबा के शेरी मजमूए में भी हम जिंदगी के एक नहीं सैकड़ों रंग देखते हैं। आपने ये भी सही कहा कि हर इंसान के अंदर टैलेंट या हुनर होता है, और वो इसलिए कि हम उसका शाहकार हैं, उसने हमें पैदा किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसने हमें बेपनाह खूबियां रखी हैं। कभी ये होता है कि हम अपने अंदर की खूबियों को पहचान लेते हैं, और कभी ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो हल्का होता है वो हमें कुशल करता है। तो उर्दू मरकज ने शहनाज शाजी साहिबा के अंदर की छुपी हुई शायरा को बाहर लाकर खड़ा कर दिया, और ये आज हमारी खुशनसीबी है कि हम उनको सुनेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हमारे दरमियान मुमताज लेखक साहिबा मौजूद हैं, और वो शहनाज शाजी साहिबा के शहनाज शाजी साहिबा के मजमूए कलाम पर तफसीरा
करेंगी। उससे पहले मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ दे दूं ताकि आपका जो एक क्यूरियोसिटी जो चेहरे पे है कि है कौन, तो आपको पता चल जाए। बहुत मुमताज, अपने नाम की तरह बहुत मुमताज शायरा हैं। तीन किताबें उनकी मंजरियाम पर आ चुकी हैं, शहर का शहर, मराठी ट्रांसलेशन सोनू जिसका इजरा मनमोहन सिंह के हाथों में हुआ, फिल्मों में कहानी ड्रामे और गाने और सीरियल लिखती हैं, रिजर्व बैंक से रुख्सत ले चुकी हैं, लिहाजा अब पूरा पूरा वक्त अदब को ले लेंगे। मोहतरमा मुमताज निखर साहब, मेरा एक आरोप जो बहुत ही जरूरी है वो ये है कि मैं रचिता अपा की और रचिता अपा ने जैसे कहा कि शायरा बहुत लहक लहक कर और बहुत महक महक कर अशआर पेश करती हैं, तो लोग कहते हैं कि वाह क्या देखा हमने, शेर देखा। तो मैं उस तरीके की शायरा नहीं हूँ, मैंने कभी भी तरन्नुम में शेर नहीं पढ़े। और जैसे कि शहनाज का ससुराल है, मेमन हजरात बहुत नजरा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं भी हलाई मेमन और हकीकत में यूपी और मेमन का ताल्लुक बहुत ज्यादा गहरा है, मेरे शौहर भी यूपी के हैं, लखनऊ के। तो सुभाष भाई कह रहे थे कि यूपी में गिरे हुए हैं, यूपी वाला मेमन में गिरे हमारे यहाँ जितनी मेमन हमारी बहने थी उन सबको यूपी वालों ने उड़ा दिया। तो उन्होंने ऐसा कहा कि सारे यूपी वाले जो है वो मेमन औरतों को क्यों उड़ा दिया। तो मैं कोई तब से मैं निगार नहीं हूँ और मैंने अभी तक किसी किताब पर कोई तबसरा कभी नहीं पढ़ा, और मुझे पहला मौका शहनाज दे रही है तो इसके लिए मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ। आपकी चश्मे इनायत की अता चाहती हूँ, अपने अशार पे तंदी बजा चाहती हूँ। यूं ना करना कि मेरा शौक सुखन मर जाए, यूं ना करना कि मेरा शौक सुखन मर जाए, मैं तो कतरा हूँ समंदर से बता चाहती, उसी के अशान है। और मैं उसे कहना चाहती हूँ कि शहनाज खतरा हो और समंदर से बका चाहती हो तुम चाहो, लेकिन यहाँ पर समंदर औरतों को बहुत कम बका अदा करते हैं। आज तक मेरा नाम शायरात में नहीं गिना जाता है, मुंबई की जब शायरात, मैंने 13 साल की उम्र से शायरी की है और आज मेरी उम्र 62 साल है और मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज भी लोग मुझे मेंशन नहीं करते शायरा की सूरत में। मेरी उस्ताद को मेंशन करते हैं रफिया चोपड़ा मावेली को, लेकिन मुझे नहीं करते, पता नहीं क्या वजह। तो अगर तुम्हें बता ना मिले तो जरा भी दिल बर्दाश्त ना होना, क्योंकि तुम्हारी पहला ही मजमुआ ऐसा है कि तुम्हें बका अता हो जाएगी। शहनाज शादी ये नाम मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है। एक लंबे अरसे पहले मेरी पहली मुलाकात शहनाज शादी के घर पर हुई। वो कैसे, मैं रिजर्व बैंक में थी और इनके जो हस्बैंड है शोभा नामदार, बड़े अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने घर पर और वहां उन्होंने मेरे अशआर सुने थे। तब शहनाज की मेरी पहली मुलाकात वहां हुई, आज से तकरीबन 9-10 साल पहले। हाँ जाता हूँ। तो एक लंबे अरसे पहले मेरी पहली मुलाकात शहनाज शादी के घर पर हुई। उस रोज उसने मुझे अपने कलाम से रोशनास होने का मौका दिया। निहाय घबराते और शर्माते हुए उसे अपने कलाम के खूबसूरत और जानदार होने में शक था। मैं ही शायद वो पहली हस्ती हूँ जिसने उसे खुद अपने कलाम से तारुफ करवाया और उसे यकीन दिलाया कि उसका कलाम निहायत ही खूबसूरत है, क्योंकि उसमें एक औरत के सच्चे जज्बात की अक्कासी की गई है। क्यों, और उसका कलाम किसी भी पाए की शायरा के कलाम से किसी दर्जा कम नहीं। मैंने उसे कलाम शायर करवाने की तरगीब दी, उसकी हिम्मत बढ़ाई, हौसला दिया, लेकिन शायद मेरे अल्फाज कम पड़ गए और उसने उस दिन के काफी अरसे बाद अपने कलाम को आवाम में लाने की हिम्मत जुटाई और शायद
उर्दू मरकज का शायराना मौका ही उसका बाद में। जहां तक मेरा ख्याल है उर्दू मरकज में आने के बाद ही उसने बड़ी रफ्तार से शेर कहना शुरू कर दिया और अपने और अशार के हुस्न से सबको अपना गर्विता करवा लिया। उसकी शायरी एक औरत के जज्बात की सीधी सच्ची शायरी है जिसमें बिल्कुल भी बनावट नहीं है। इस लिहाज से वो एक कामयाब शायर है और उसके पास तो जैसे उसके ख्याल को पर लग गए और आन वाहिद में उसका पहला मजमूए कलाम करबे नारसाई मजर आम पर आ गया। और देखिए आज उसका इजरा है। शहनाज ने कहा है, ए करबे नारसाई की शिद्दत तुझे सलाम, ए करबे नारसाई की शिद्दत तुझे सलाम, जिस बेहुनर को साहिबे दीवान कर दिया। क्या ये शेर खुद को साहिब जो शेर की अंदाजा नहीं करता कि दुनिया ने तजुर्बात और हवालिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ। मैंने जैसे ये शेर सुना मुझे अचानक साहिब का बच्चाइया का जो पहला शेर है उन्होंने इसी तरह से जिस तरह उसने अपना शेर लिखा है उन्होंने परछाइया में इसी तरह अपने शेर से इब्तिदा की है। तो करबे नारसाई जो है वो एक जूम वाली तरकीब, एक जूम वाली तरकीब है। करबे नारसाई महबूब तक पहुंच न पड़ने का कर या कि अपने मैके कराची तक न पहुंच पाए। दोनों ही कर्म है जो मिले जुले तासुरात हैं उनकी शायरी में। खानदान से फासला चाहते हुए भी, शिद्दत से याद करते हुए भी मुंबई से कराची तक का फासला न तय कर पाने का कर, इन दोनों को हम उसकी शायरी में जगह जगह महसूस करते हैं। इसके अलावा वो एक बे इंतहा चाहत रखने वाली बेटी और अपने बेटे पर जान निछावर करने वाली माँ भी है। इन दोनों निस्वारी जज्बात का इजहार उसकी शायरी में जगह जगह पाया जाता है। उसके कलाम का जायजा लेते हुए मैंने महसूस किया कि उसने कभी अपने कलाम को वजनदार बनाने की शौरी कोशिश नहीं की बल्कि जो भी वजन उसकी शायरी में है वो उसके लाशौर से आया। वो बड़ी नेचुरल शायर है। बस सिर्फ एक चीज महसूस की मैंने कि कहीं कहीं उसका लहजा मर्दाना रंग लिए हुए है। ये कि हमारे यहाँ बहुत पहले से रिवायत चली आ रही है कि औरतें अशार कहती है लेकिन उसमें कहीं कहीं मर्दाना रंग होता है। तो तब उसकी अगर उसको वो चाहती तो अवॉइड कर सकती थी, तब उसकी तमाम दर शायरी निसाई होती। उम्मीद है कि आइंदा वो उसका ख्याल रखेगी। फसाहत ज़बान तो उसकी बुट्टी में पड़ी हुई है, बलागत के सबूत में कई अशार का हवाला दिया जा सकता है। मैंने उसके मजमूए कलाम से चंद अशार इंतखाब किए हैं, मुलाहिज़ा हो। सजा वो मेरी भी भुगते का हश्र में शाजी, सजा वो मेरी भी भुगते का हश्र में शाजी, बहुत हिसाब निकलता है मेरा उसकी तरफ, बहुत हिसाब निकलता है मेरा उसकी तरफ। और है कि घर के सारे दुख अचानक दिल नशीन लगने लगे। देखिए कितनी गहरी शायरी है कि घर के सारे दुख अचानक दिल नशीन लगने लगे, लौट के परदेश से आए तो अंदाजा हुआ। लौट के परदेश, ये शायद लोगों ने महसूस किया होगा, आप सबने महसूस किया होगा कि हम अपने घर में बहुत गड़बड़ाते हैं, घर ऐसा घर वैसा, लेकिन जब हम कहीं बाहर से लौटते हैं तो वही घर हमें जन्नत का नमूना नजर आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर से अच्छा कोई नहीं, कोई घर नहीं। तो ये बात हमने महसूस की लेकिन उसने बहुत अच्छे से उसका इजहार किया। अब अगर छोड़ गया है तो शिकायत कैसी, अब अगर छोड़ गया है तो शिकायत कैसी, जब मेरे पास था उस वक्त भी मेरा कब था, जब मेरे पास था उस वक्त भी मेरा कब था। ये तमाम अशआर आपको परवीन शाकिर की याद दिलाएंगे, कविता रियाज की, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह शिकायती लहजे में बहुत कुछ कहा है, औरतों के जज्बात का इजहार किया है। इसी तरह इनकी शायरी में भी वो रंग है। जख्मों की फसल काटेगा ता उम्र देखना, जख्मों की फसल काटेगा ता उम्र देखना, कांटे उगा रहा है जो रिश्तों के खेत में, कांटे उगा रहा है जो रिश्तों के खेत में। अब एक कथा सुनिए कि मेरे जुनून ने शौक को जब बालों पर दिए, मेरे जुनून ने शौक को जब बालों पर दिए, ऐसा अना परस्त नहीं हूँ मुझ पे कर दिए, पहली उड़ान देख के वो दम रह गया, पहली उड़ान देख के वो दंग रह गया, फिर उसके बाद उसने मेरे पर कदर तो ये बात इन्होंने महसूस कर ली है, ये उनकी पहली उड़ान देख
निकलने नहीं दिया, महरूमियों को हद से गुजरने नहीं दिया, जीने का मुझ में हौसला शादी न था मगर एक शख्स के खुलूस ने मरने नहीं। अब देखिए शिकायत भी है तो एक जगह तशक्कुर भी है, ये शुक्रिया अदा करती है कि एक शख्स ने के खुलूस ने मरने नहीं दिया। खैर वो तो आप कहेंगे तो मैं इसके तमाम अशआर को यहाँ पर कोट कर दूंगी, लेकिन कुछ अशआर मैंने अजब सपने दिखाती है कहीं अरमा जगाती है, मोहब्बत आदमी को एक नई दुनिया दिखाती है, यहाँ रहबर जुनू होता है और दीवान की मंजिल, यहाँ पर अकेले हैरान दिल के आगे हार जाती है, कहाँ से कहाँ तक उनका देखे ना एक बार नशे याद आता है। लेकिन इसे कभी कभी इसे तनखा भी तो यहाँ पर मैं बहुत कुछ उनकी शायरी के बारे में बता चुकी हूँ और इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि चावल के एक दाना ही बता देता है कि चावल कैसा है, एक ही एक दिन कैसी फसल। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि शहनाज ने मेरी बात मानी और लोगों की बात मानी और आज वो इस मकाम तक पहुंची है। इंशाल्लाह ये वो परवीन शाकिर और उन लोगों के सब में एक दिन उसका नाम दर्शन। बहुत शुक्रिया मुमताज निशत साहिबा, यकीनन समंदर की किस्मत में गौहर वरना नहीं लिखा होता, खतरे की किस्मत में गौहर वरना लिखा होता है और खतरा इतनी आसानी से गौहर नहीं बनता, बड़ी जद्दोजहद बड़ी परेशानियां झेलने के बाद कहीं जाकर के वो खूबसूरत मोती की शक्ल इख्तियार करता है। बड़ी मुश्किल से वो मोदी की शक्ल इख्तियार करता है। शहनाज शाकिर साहिबा की शायरी पतले से गौहर होने तक का एक मुसलसल सिलसिला है। मैं जनाब शकील वारसी साहब को आवाज दे रही हूँ। शकील वारसी साहब का तारुफ किसी तरीके की तारीफ का मोहताज नहीं है, इसलिए कि जब वो बोलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। इनकी एक खास बात जो है वो ये है कि आप इनको ऑन द स्पॉट अगर बोलने के लिए अगर आप कहें तो ये इतनी जामे और इतनी मुकम्मल अंदाज में बात करते हैं कि कभी कभी शुभा होने लगता है कि जरूर चुपके से कुछ दिया होगा तभी तैयार होकर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उनकी काबिलियत है, ये उनका बड़प्पन है और इन पर उनकी गहरी नजर है। मैं आवाज दे रही हूँ जनाब शकील वारसी साहब, प्लीज जोरदार ताली से बजाएं। भाई शबाना आपने तो हमें इम्तिहान में डाल दिया। बहरहाल जनाब सदर आप सबकी खिदमत में आदाब, मैं क्या अर्ज करूं, एक अदना सा तालिबे इल्म हूं, शायरी समझने की कोशिश करता हूं। शहनाज शाजी कर भी नारस है मेरे जहन में। सबसे पहले मजनू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर आता है, दिले सादा न समझा मां सिवाय पाक दामान, दिले सादा न समझा माँ सिवाय पाक दामानी, निगाहे यार कहती रही कोई अफसाना बस। बहरहाल अजीजाने गिरामी, सबसे पहली बात जो सवाल जहन में आता है आपकी किताब पढ़ने के बाद में, तो शायरी है क्या? शायरी की मुख्तसर जामी अल्फाज में मुख्तलिफ नक्कादा ने फन ने इसकी तारीफ की है। किसी ने कहा कि ये एहसास की मुसव्वरी है, किसी ने कहा कि ये जज्बात की कोई दिलकश तस्वीर कशी है। बहरहाल जो भी है, लेकिन इतना जरूर है कि शौक और जुनून की एक लफ्ज़िश मस्ताना और कभी कभी
फिक्र आग ही का कोई इंतहाश है। जॉन कीट्स ने एक बार कहा था, पोएट्री समथिंग दैट मेक्स यू टू फील अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एस्टॉनिशमेंट। अगर अपनी जबान में कहें, मेरे ख्याल में यूं कहेंगे कि शायरी एक ऐसी कैफियत का नाम है जो हमें इंतहाई दर्जे की हैरत से हम आगोश करती है। और मेरी हैरत की इंतहा उस वक्त नहीं रही जब शाजी साहिबा की किताब मेरे हाथों में आई। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछली मुलाकात में जब यही उर्दू मरकज का एक प्रोग्राम हुआ था पूजा की फसल गायकी के बारे में, तो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त इन्होंने मुझे अपनी किताब तोहफा कर दी थी। तब इन्होंने बातों ही बातों में एक बड़ी अच्छी सी बात कह डाली। आपने कहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि बावर्ची खाने में मैं खड़ी हूँ और अचानक कोई मसनून आया और मसनून आने के बाद भी उसने अल्फाज का जामा पहन दिया और शेर हो जाता है और मेरी बच्ची और मेरे शौहर वगैरह कहते हैं तुम क्या कर रही हो। तो मैं बहरहाल ये कहना चाहता हूँ कि शायरी की जो बुनियादी लवाजमात हैं तशरीह और इस्तेआर, इस्तेआरे के जो 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 पर्म है, इस्तेमाल हो रहा है या वजन है या पैकर तराशी है, इन सब बातों से ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा जो जामे और अहम चीज़ मेरी नज़रों में ये है जज्बा, शायर का जज्बा। ये जज्बा जब शिद्दत इख्तियार करता है तो ज़ाहिर है कि बावर्ची खाने में देर सी में कफ़ीर चलाते चलाते कलम हाथ में आ गया और फिर उसके बाद जो अल्फाज करी और जो मजदूर निकाली और जो गुड़गाड़ियाँ हुई वो हमारे सामने कर बिना रसाई। किसी नाके ने ये भी कहा है कि शायर, बेहतर शायर वो होता है जिसका तजर्बा सामने के तजर्बे से हम आहंग हो जाए तो शेर में तासीर पैदा हो जाती है। मैं मिसाल के तौर पर इनके दो शेर पेश करता हूँ आपके सामने जो मुझे याद आ रहे हैं, जिसमें हर एक को अपने तजर्बात याद आ जाते हैं। कहते हैं, रात है चांद है मैं हूं मेरी तन्हाई है, रात है चांद है मैं हूं मेरी तन्हाई है, कुछ दिनों से इन तमाम चीजों से मेरी शनासाई है ना, इन सब चीजों से मेरी शनासाई है। और दूसरा शेर इन्होंने क्या खूब कहा है कि जख्म खुद ही देता है खुद ही दवा देता है, कितना कातिल तेरा अंदाज़े मसीहाई है। क्या खूब शेर कहा है, कितना कातिल तेरा अंदाज़े मसीहाई है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, फैज़ अहमद फैज़ की एक बात मुझे याद आ रही है, मैंने उनके किसी मज़मून में पढ़ा था, शायद तो बहरहाल उस्ताद शायर उसकी कोई कलाम नहीं है, उनकी नसर की बड़ी जामी है। किसी मजमून में मैंने पढ़ा था कि बगैर आरायशी रंगो रोगन के, रिवायती नक्शो निगार और रंगो रोगन की आरायश के बगैर दिल लगता शेर कहना बड़े दिल उठे का काम है। अभी इशारा में इनका एक शेर पढ़ा, मेरी जबान पे ऐसा जब मैंने पढ़ा तो मुझे फैज़ अहमद फैज़ का ही कॉल याद आ गया। क्या वो कहा है कि वो जिंदगी जो पूछे हंसकर मिजाज, जिंदगी जो पूछे हंसकर मिजाज, इंतकामन मुस्कुराना चाहिए, इंतकामन मुस्कुराना चाहिए के अंदर इनका उन्वान पोशीदा है। कर बिना रसाई सारी कितने फसाने हैं एक दूसरे में, इंतकामन मुस्कुराना चाहिए, ये एक मोतबर और मुमताज शायरा का ही हिस्सा हो सकता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये मैं ज्यादा कुछ अर्ज नहीं करना चाहता, बहुत ही शायरी की जितनी भी खसूसियात हो सकती हैं बाद अशार जरूर मिसलें और उनके बाद जबान पर याद हो जाती हैं और इस तरह चश्मा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपके उर्दू अशार मुझे याद आ रहे हैं, क्या खूब आपने कहा है, उसके अंदर भी यही है कि पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि एक जज्बात की और तजर्बात की सदाकत, जब जज्बात की और तजर्बात की सदाकत होती है तो उस चीज़ में तासीर पैदा हो जाती है।
क्या खूब कहा है आपने कि वो जो शेर है आपका, बस एक शाम मेरे नाम, बस एक शाम मेरे नाम करो इतना ही काफी है, ठीक है ना, बस एक शाम मेरे नाम कर दो इतना ही काफी है, हर रोज के मिलने पर कहाँ इसरार है, हर रोज के मिलने पर कहाँ इसरार है, और तूफान के बाद की खामोशी है बदन में, सही पढ़ रहा हूं, तूफान के बाद की खामोशी है बदन में, अब दिल को अब दिल से मेरी अब्ल बरसरे बेकार नहीं है। ये जो अल्फाज की बंदिश और उसमें मजमून निगारी का हम आहंगी, अल्फाज की बंदिश और इस्तियारे और तशबीहात का इस्तेमाल और उसके अंदर इतनी तजर्बा की सदाकत और मुशाहिदात की रंगीन, ये पाखमर शायरी कर सकती है। भारत की बात को मुख्तसर करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि फैज अहमद फैज का मैंने भी जिक्र किया था, एक बार फैज साहब से किसी ने पूछा था दौरान इंटरव्यू कि नई नस्ल के शोरा के लिए आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने अपनी ही गजल की चार मिसरे पढ़कर सुनाई थी और वही मिसरे मैं आपकी नजर करता हूँ। कहते हैं कि हाँ हाँ तलखी अयाम अभी और बढ़ेगी, हाँ तलखी अयाम अभी और बढ़ेगी, अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे लेकिन फिर भी हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल में गुजरती है रकम करती रही है। शुक्रिया शकील साहब, बेशक दिल पर जो गुजरती है वो रकम करते रहेंगे। मोहतरमा शाजी साहिबा की शायरी या फिर अदब का कोई भी मैदान तजर्बों से खाली नहीं होता, खुसूसन अगर हम शायरी की बात करें तो शायर खारजी नहीं बल्कि दाखिली तजर्बों से काम लेता है। तखय्युल की दुनिया जितनी हसीन होती है शेर उतना ही जानदार होता है, उतनी ही उसकी उम्र लंबी होती है, और बरसों अशार दिलों में इस तरीके से दफन हो जाते हैं कि फिर वो कभी बाहर नहीं निकलते। एक अच्छे शायर की पहचान ये है कि चाहे सदियां बीत जाए फिर भी जब भी कभी उसका कलाम पढ़ा जाए तो यूं लगे कि ये तो शायर हमारे लिए कहा। ये एक अच्छे शायर का कमाल होता है। शाजी साहिबा की शायरी में ये उनसुर मौजूद है, मैं कह सकती हूँ। इतनी देर से हम शाजी साहिबा के कलाम के बारे में बात कर रहे हैं, बोर्ड पर आपको लिखा हुआ देख रहे हैं, आखिर तबीयत बेचैन होगी कि ये रस्म इजरा होगा कब, ये मकाम घटेगा कब। तो लीजिए सब ये लम्हात खत्म हुए, मैं आज की महफिल के सर जनाब अब्दुल अहद साज साहब से, जो अदब की दुनिया में शायरी की दुनिया में मुंबई की सारे हिंदुस्तान की शान है, मैं गुजारिश करती हूँ कि वो रस्म इजरा अदा करें। अपना अपना कलाम जनाब अब्दुल अहद साज साहब
और जनाब अहमद वसी साहब की जेर अस्थी सुनाया करती है और दाद और तहसीन के साथ साथ इस्लाह और रहनुमाई भी हासिल किया करती है। इन शहरी नशिस्तों से वाबस्तगी के बाद मेरी शायराना सलाहियतों का कैनवस पर तदरीज वसी होने लगा। हमारा ख्यालात और एहसासात से जब मेरी समातें आशना हुई तो जहन और दिल के दरवाजे खुद ब खुद वाह होने लगे, खुद एतमादी बढ़ने लगी और तख्लीक के पेड़ पर बेशुमार खोपने फूटने लगी और यूं महसूस हुआ होने लगे गुमा से यकीन तक सफर नए, होने लगे गुमा से यकीन तक सफर नए, गोया के उठ रहे हो मेरे बालों पर नए। उर्दू अदब में दिलचस्पी उस वक्त पैदा हुई जब नवी जमात की मौलिमा ने तमाम तालिबात को हुरूफ़ तहजी की तरतीब से अशआर लेकर लाने को कहा। हमारे हिसाब में अलामा इकबाल, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, अल्ताफ़ हुसैन आली, मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब जैसे असातिज़ा का कलाम शामिल था और ना सिर्फ ये कि ये निसाब में सिर्फ कलाम शामिल था बल्कि इन तमाम शायरों के हालात ज़िंदगी भी हमारे निसाब में शामिल थे। बस यहीं से खुद को भी शेर व शायरी का शौक सवार हुआ और पहला शेर मैंने नवी जमात में लिखा और जाहिर है कि जब शेर लिखा तो अपने आप को बहुत बड़ी शायरा समझने लगी और ये दिल में ख्वाहिश जाहिर हुई कि कोई तखल्लुस तो होना चाहिए। पांच सहेलियां मिलकर बैठी तखल्लुस के इंतहाब के लिए, निगर जो है वो नाजी हो गई, सईदा सोजी हो गई, फरीदा फौजी हो गई, रुखसाना रोजी हो गई और नए शाजी हो गई। उसके बाद बीए तक कई अशआर लिखे, कई गजलें लिखी। शादी के बाद जब बॉम्बे आना हुआ तो उसके बाद मेरे अंदर की शायरा कुछ सोच ही गई बल्कि मुझे गुमान हुआ कि कहीं वो मर न गई, क्योंकि तकरीबन 20-22 साल तक मैंने एक शेर नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा और उसके बाद मेरा उर्दू मरकज से तारुफ हुआ। मुझे ये कहने में जरा बराबर भी तामुल नहीं है कि मेरी इस कर्ज ना रसाई की अशात में सबसे बड़ा हाथ उर्दू मरकज का, खासतौर पर जुबैर साहब की हौसला अफजाई और उनका बरादराना रवैया इसने उर्दू मरकज को तमाम खवातीन के लिए मैके का नैमुल बदल बना दिया। और जब हम यहाँ आते हैं किसी महफिल में शरीक होने के लिए तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने मैके में आए हुए। यूं तो किताब की अशआर में कई मोतबर शख्सियात का ताउन और हौसला अफजाई शामिल है लेकिन महाना शायर के मुदीर आला जनाब इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी साहब की पसंदीदगी की सनद के बाद ही मुझे कर्मे नारसाई शायर करने का हौसला हुआ जिसके लिए मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंसान अपनी फिक्र और सोच और महसूसात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जराए अबलाग का मोहताज होता है। मैंने शायरी को बतौर जरिया अपने लिए चुना क्योंकि ये मेरे मिजाज के अहम मुताबिक है। मुझे शायरा होने का कोई दावा नहीं है लेकिन फितरी तौर पर मेरे जज्बात अशआर में ढल जाते हैं। ये मेरी कोशिश की सख्ता काबिले कबूल है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जज्बात अपने कारी के सामने रख दिए। बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तफाक ना करें लेकिन मैं हर तबसरे और हर तनकीद का खुले दिल से एतराफ़ करूँगी, उसका खैर मकदम करूँगी क्योंकि तनकीद के बगैर हम अपनी खामियों और नहाइश से आगाह नहीं हो सकते और ये तनकीद ही है जो हमारी शायरी को नहाइश से पाक करती है। अब मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब हुई हूँ इसका फैसला तो मेरे कारी और मेरे नाकदीन करेंगे, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कर्मे नारसाई के बारे में अपनी गिरा कदर राय से मुझे जरूर नवाजिए। और चूंकि ये मेरी किताब का इजरा है तो बजाय इसके कि मैं अपनी किताब के बारे में कुछ कहूँ
बेहतर होगा कि मैं दूसरों की राय इस पर सुनूं, और अगर इजाजत हो तो घर बिना रसाई से कुछ नज़में, कुछ गज़लें जो मुझे बहुत पसंद है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और जिस गज़ल की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई है मैं वही आप लोगों को सबसे पहला सुनाना चाहती हूँ। कोई हाथी बिछोना चाहती हूँ, कोई हाथी बिछोना चाहती हूँ, मैं अब जी भर के सोना चाहती हूँ, मैं अब जी भर के सोना चाहती हूँ। जमाने भर को अपना कहके देखा, जमाने भर को अपना कहके देखा, बस अब मैं अपनी होना चाहती हूँ, बस अब मैं अपनी होना चाहती हूँ। बसर करने को तन्हा जिंदगानी, बसर करने को तन्हा जिंदगानी, कोई टूटा खिलौना चाहती। और जैसा कि शबीर साहब ने जो शेर को पसंद किया कि जुदा होने से पहले इस जहां को, जुदा होने से पहले इस जहां को खुद अपने में समोना चाहती हूँ, और दुखों की फसल काटी उम्र भर अब, दुखों की फसल काटी उम्र भर अब खुशी के बीज बोना चाहती हूँ, खुशी के बीज बोना चाहती हूँ। और मक्ता अर्ज है कि अगर एक बार वो मिल जाए शाजी, अगर एक बार वो मिल जाए शाजी, गले मिलकर मैं रोना चाहूं। जी नज़्म सुना रही हूँ आप लोगों को, जो कि अभी सबसे ताज़ा नज़्म है, कराची में वालदा के इंतकाल पर लिखी हुई एक नज़्म है, जो मुझे नहीं पता कि किस ताकत ने मुझसे लिखवाई, जो खुद बहुत हो गई है। और ये एक उस बेटी के सच्चे जज्बात हैं जो अपनी वालदा का आखिरी दीदार नहीं कर सकती, जिसके बीच में सरहदें हायल हैं, और यही मेरी कर्मे ना रसाई है। लोग पूछते हैं कि आपको क्या कर है, मैं उनको बता नहीं सकती हूँ कि क्या कर है। ये कर तो कोई लोग जान सकते हैं जो सरहद पार करके इस तरफ आए, ना हम उनकी खुशी में शरीक हो सकते हैं ना वो हमारी खुशी में, और हद तो ये है कि ना हम उनके गम में शरीक हो सकते हैं ना वो हमारे। बहरहाल वादा के इंतकाल पर नज़्म हाजिर करना। बुझ गया रोशन सवेरा माँ के जाने के बाद, छा गया आंसू अंधेरा माँ तेरे जाने के बाद, गम का बादल है घनेरा माँ तेरे जाने के बाद, गम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। किसके चेहरे में तलाशूं तेरे चेहरे की झलक, किसके आंचल में मिलेगी तेरी ममता की महक, किसकी बातों में सुनूंगी तेरे लहजे की थनक, किस सितारे में बसेगी तेरी आंखों की चमक, ढूंढती हूँ अक्स तेरा माँ तेरे जाने के बाद, दम घुला जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। फोन पर किसको सुनाऊंगी मैं अपना हाल इजार, किसकी बातें सुन के आएगा मेरे दिल को करार, कौन पोछेगा मेरे बहते हुए अश्कों की धार, कौन पानी पढ़ के देगा होगा जब मुझको बुखार, दिल में वहशत का भसेरा माँ तेरे जाने के बाद, दम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। कौन अब तेरे लिए दस्ते दुआ फैलाएगा, किस तरह आफात का सदका उतारा जाएगा, कौन मरहम जख्म जा पर प्यार से रख पाएगा, दर्द की शिद्दत में मेरी पीठ को सहलाएगा, रंजो गम ने मुझको घेरा माँ तेरे जाने के बाद, गम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। ऐ कराची, ऐ कराची ये बता अब किससे मिलने आऊंगी, ऐ कराची ये बता किससे मिलने आऊंगी, किसकी बाहों में सिमट कर मैं सुकून पा जाऊंगी, माँ तेरी फुर्कत का सदमा मैं नहीं सह पाऊंगी, किस तरह यादों से तेरी अपना दिल बहलाऊंगी, कल अदम मेरे का फेरा
कल अगम मिल के कब मेरा माँ चले जाने के बाद गम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। तू तो बागे खुल्द में मेहमान यजदा हो गई, तू तो बागे खुल्द में मेहमान यजदा हो गई और यहाँ पर मेरी दुनिया पल में वीरा हो गई। दफतन इसने सफर पर हल्क हैरा हो गई, जिंदगी भी एक लम्हे को परेशान हो गई। घर में खामोशी का घेरा माँ तेरे जाने के बाद, गम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। मगफिरत की तुझ पे मौला अब फरावानी करे, जन्नतुल फिरदौस में भी रहमत अरजानी करे। आसमां तेरी लहर पर शबनम अफशानी करे, सब जाए नौरस्ता इस घर की निगह पानी करे। हक अदा कर पाऊं तेरा माँ तेरे जाने के बाद, दम घुटा जाता है मेरा माँ तेरे जाने के बाद। इस शेर के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। एहसास की भट्टी में 100 बार पिघलता है, एहसास की भट्टी में 100 बार पिघलता है, तब जाके कहीं दिल से एक शेर निकलता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शहनाज शाजी साहिबा। दम घुटा जाता है माँ तेरे जाने के बाद, सारी महफिल को आपने जज्बाती कर दिया। हर कौन आंख ऐसी थी जिसके आंसू ना हो। पहला शेर नवी जमात ने लिखा तो ये कहावत सच हो गई कि भूत के पांव पाले में नजर आते हैं। फल खुदादार होता है, शायरा होने का दावा नहीं है ये कहना आपकी सादगी है, वरना आपके एक एक शेर ने ये साबित कर दिया कि आप शायरा हैं। आपके ही कलाम का एक मिसरा मैं अब बस अब मैं अपनी होना चाहती हूं। इस एक मिसरे ने हर औरत की कहानी को छिपाई। माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, उसका काम सिर्फ और सिर्फ मिसाल होना है। सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, बेगानों के लिए, अपनी औलाद के लिए, हर एक के लिए वो सिर्फ कुर्बान होती है और बहुत खुशी के साथ कुर्बान होती है। उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रही हूँ जिनको चाहे सियासत हो, चाहे अदब हो, चाहे कल्चर हो, चाहे सामाजिक मसले हो, आप किसी भी मसले पर उनको कहिए, बेलाग तबसरा करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं। आप उनको जब सुनेंगे तो आपको ये एहसास, कई बार आप लोग सुन चुके हैं मगर इस वक्त माँ की मोहब्बत की साहिबान और सहारा और खुददारी के साथ जीने का हौसला और माँ की तरबियत अदबी जौक और जबान का फहम, तरबियत और तालीम का हुसूल, फिर जवानी की तहलीस पर कदम रखना और 1980 में शादी, कराची से मुंबई आमद, फिर यहाँ के नए माहौल में असर नौ जद्दोजहद, नए लोगों से नए नए तजुर्बात और भूले बिसरे जौक सुखन की वापसी, शेर गोई तवाज़ुन के साथ हर कदम पर शरीक जिंदगी की हौसला अफजाई, हिम्मत और साथ इस तवील तरीन जिंदगी की उदार शहनाज ने अफसानवी अंदाज में बयान कर दी। ये उनके नसरी शरूर का सबूत है। कर्ब नारसाई शायरा का पहला मजमूए कलाम है, लेकिन कलाम के मुताले के बाद दिल ये मानने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि कलाम में पुख्ता तालीम भी है और अशार में मानवियत भी। इससे पहले के इस मजमूए पर आगे गुफ्तगु हो, इस किताब से शायरा शेर और अदब के मजामी से अहम इत्तेफाक मुलाहिदा फरमाए। शहनाज सच्चे जज्बों की शायरा है जिसने निसाई जज्बात के इजहार के लिए किसी मरम्मत साधी का सहारा नहीं लिया,
ये हकीम मोहम्मद तारिक इस्लाही साहब का कहना है। उसके बाद साथ भाई यहाँ पर तशरीफ फरमाया, उन्होंने इसमें लिखा है तबसरे में कि शहनाज साजी के इजहार करने नाजफाई को निसाई लबो लहजे की शायरा के मैसर पर एक नया मगर मुतवज्जा का दस्तखत करना जा सकता है जो अपने अंदर रोशन तर हो जाने का इम्कान भी रखता है। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी ने कहा कि राकिन को शहनाज की गजलों से ज्यादा जो है वो नज़्मों ने मुतवज्जा किया है। डॉक्टर शफीक नाज़िम कहते हैं कि ये किताब उर्दू अदब में काबिल कदर इजाफा है, ये मोती तफरी तबाह के लिए है, ये आर्दुए हैं, उमंगे हैं, अज़्म के तराने हैं, मोहब्बत के फसाने हैं, शायकीन अदब इन फनपारों को सराफों से लगाएंगे, ये मेरा ईमान है। उसके बाद शमा अफरोज कादरी ये कहते हैं कि शहनाज साजी का मजमूए का नाम कर्बे नारसाई बैंक नजर बाज़ौक कारी को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इन इंतजामात में तो मुख्तलिफ बातें कही गई हैं, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि मुशायरे अदब ने शहनाज की शायरी को पसंद किया है। इस किताब में मौजे सहबाई और शफीक नाज़िम के मंजूम तासुरात भी हैं, उनके बारे में कहा जा सकता है कि ये खुलूस से लिखे तासुरात हैं। कर्बे नारसाई से मेरे पसंद के कुछ अशआर मुलाहिज़ा फरमाए। मैं प्रोग्राम की तवालत की वजह से इस शेर को जो है वो नहीं पढ़ता हूँ। शहनाज की गजल अपने कारी को जहनी मश्क के लिए नहीं आसानी बल्कि मुलायम लहजे में अपनी बात कह जाती है। आसान जबान में शायरी करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन शायद मश्क की मुश्किलों ने उसे आसान बना दिया है। और शहनाज की गजलिया शायरी के इस इंतबाह में शहनाज की काविशों से कशीदशुदा इत्र बर्फ बर्फ महकता हुआ महसूस होता है। इस महक में खुशबुए लज्जत के साथ साथ कहीं तेजाबी तुलसी भी है जो चौंकाती है। गुजारिश
जी रशीदा आबा हमारे उर्दू मरकज के डायरेक्टर बरादर जुबैर आजमी उनके मुआविनकार फरीद खान साहब मौजूद सवादी मोहतरम साहबान मैं दो तीन बातें ऊपर से प्रेस करना चाहता हूँ। एक तो ये जब हम गांधीजी अदब की बात करते हैं ईसाई अदब की बात करते हैं ईसाई शायरी की बात करते हैं फेमिनिस्ट प्रवृत्ति की बात करते हैं तो उससे सिर्फ मुराद ये नहीं कि औरत शेर कह रही है सिर्फ औरत का शेर कहना ईसाई अदब की तारीफ में पूरा नहीं होता था। ये बात ईसाई आंखों से दुनिया को देखने और वाहिद मुतकल्लिम में अपने ख्याल का और अपने जज्बात का इजहार करने का नाम है जिसे हम गांधीजी शायरी कहते हैं। तो हमारी पुरानी परंपराएं जो पुरानी रिवायतें हैं उनमें तो मीराबाई से रिवायत चली आ रही है जो खड़ी बोली में और हिंदी और संस्कृत मगधी और पाली शायरी में मौजूद है। हमारी इलाकाई जबानों में भी शायरी पहले से मौजूद है लेकिन हमारी उर्दू शायरी में ईसाई इशार की मिसाल जो है इधर तीन चार दहाइयों से मिलने लगी है और वो मॉडर्न उर्दू पोइट्री जदीद उर्दू शायरी में तीन चार साल से हमें मिलती है। ऐसा नहीं कि इससे पहले निसाई नाम हमें नहीं मिलती। जब हम तारीख अदब उर्दू का मुताला करते हैं तो बहुत सी शायरा के नाम मिलते हैं लेकिन उनका लहजा निसाई या तानीसी नहीं है तो उसी लहजे में शेर कहती है जैसे वह शेर कहा करते थे तो या तो वो अमूमन या तो वो बेगमान हैं या शहजादियाँ हैं या फिर उनका ताल्लुक बारह सालों से और महफिलों से या वो देवियाँ हैं या गुड़ियाँ हैं एक जीती जागती औरत जो माशरे में जिंदगी गुजार रही है वो हमें नहीं मिलती। ये औरत हमें मिलती है बर्नी चागी से मैंने इंटरव्यू लिया था 1982 में कराची में तो उन्होंने बताया कि ये औरत हमें दस्तियाब होती है शुरू में अदा जाम किया जहाँ अपने ख्याल का इजहार मुकुम करती है वायद मुतकल में मुखातिब होती है और अपने औरत होने में शर्मिंदा नहीं है बल्कि अपने इजहार में अपने हिसाब में दस्तर सकती है। उसके बाद दोनों सड़क के दोनों तरफ कई नाम हैं पाकिस्तान में अदा जाफरी है परवीन फना सैयद है इशरत नाहीद है फरमीदा रियाज है परवीन शाकिर तोफैक नहीं सड़क इस तरफ जायदा जैदी है सरदा जैदी है शबनम मिशाही है तदम रियाज है अजरा अजरा परवीन है शहनाज कभी है रफिया शबनम आबिदी है और ये तरतीब रजोली की तरतीब में शहनाज शाजी तक भी पहुंच जाती है। इसमें मुमताज निगम का भी नाम को भी शामिल करना पड़ेगा और कई शायरा शिकायत थी कल मेरा मजमून शायर और रहा है उर्दू टाइम्स में वो जो किस्मा मुंबई की उर्दू गजल 1980 के बाद के नाम से किस्मा आ रहा है तो कल उनका निधन के बारे में उसमें तस्करा भी है और शायरा के तस्करा भी है जो भी में नजर जाती है। अच्छा इनका जो बेहतरीन पहलू है वो दो पहलू है एक तो हिजरत का कर्म है तकसीम का कर्म है और दूसरे ये कि जाहिर किशा किशन मोहब्बत की शायरा है जो तानी से शायरी का लाजिम जुज है कि जब अपने महबूब से खिताब औरत करती है और हकीकी इजहार करती है सिर्फ ख्याली ख्याली पैगल नहीं बल्कि पैगल महसूस के साथ तो हिजरत पर वैसे तो कई शेर कहे गए मसलन ये शेर बहुत मशहूर है इफ्तिखार आयत का हिजरत पर कि हर नई नस्ल को एक ताज़ा मदीने की तलाश हर नई नस्ल को एक ताज़ा मदीने की तलाश साहेब को अब कोई हिजरत नहीं होगी हमसे। और दूसरा शेर हिजरत ही पर गालिब रात इंदौरी का है कि आपके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा आपके जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा हम सब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। लेकिन ये आप देखिए कि ये सियासी पैराए के हिजरत के शेर है शहनाज शाहजी के यहाँ हिजरत का जो कर्म है वो बहुत ही पर्सनल कर्म है बहुत ज़ाती अहमियत है जिसका पूरा इजहार उनकी अभी जब आपने लफ्ज़ सुनी वहाँ बदले जाने के बाद उसमें भरपूर अंदाज में हुआ है और मैं देख रहा था कि बहुत सी आँखें भीग गई हैं बहुत सी निगाहें टिपटिपाई हुई हैं हमारी रफिया आबा जो यहाँ बैठी हुई हैं वो शायद उनका मुश्तरक तजुर्बा है वो पाकिस्तान से आई हुई है उस कर को ज़्यादा ज़्यादा महसूस कर रही थी और भी मैंने अपनी खवातीन को देखा हम लोग भी असर पसीर हुए क्योंकि जो बात पर्सनल हो जाती है वो ज़्यादा असर करती है जो बात मौजूदाती होती है टॉपिकल होती है वो इतना असर नहीं करती
जब वो जज्बे में ढल जाती है और जज्बे में ढल के शायरी बन जाती है तो उसके अंदर एक असर पसीर पैदा होती है और आपके साथ ज़ाती तौर पर मुखातिब होती है। उससे ये कि मैं एक बात कहना चाहता था कि जलसा अख्तर की किताब घर आंगन है, उस पर किसी चैनल ने दीवाचा बहुत अच्छा लिखा है, तो उसके जगह लिखा है कि उर्दू शायरों ने औरत को हर जगह ढूंढा है, महफिलों में, बस्तानों में, बलाखानों में, मशालों में, बस वही नहीं ढूंढा जहाँ वो पाई जाती है, यानी अपने घर में। तो इनका अंदाज जो है उसमें घरेलू फन भी है और जैसा अख्तर का एक शेर है, पूरी किताब उन्होंने घर आने लिखी है जिसमें अजवाजी जिंदगी का रोमांस है, छोटे छोटे पहलू हैं जो मियाँ बीवी की जिंदगी के खूबसूरत रोमानी झलकियाँ हैं, एक पूरी किताब जैसा ने लिखी है। उसमें वो कहते हैं कि ये धज ये स्वभाव ये सलीका ये सुरू, ये धज ये स्वभाव ये सलीका ये सुरू, घर तक नहीं महदूद तेरा रूप अनूप, जीवन की सुलगती हुई राहों में भी तू, जब साथ चले तो धर्म पड़ जाती है धूप। और वो अपनी दीर्घ जबान से कहलाते हैं कि वो ताज हो या निशात या वृंदावन, वो ताज हो या निशात या वृंदावन, एक लम्हे को जम जाए तो जम जाए नजर, रहता है ये एहसास बराबर मुझको, दुनिया में सबसे खूबसूरत मेरा घर। तो ये पूरी शायरी जो है इसका इजहार जज्बाती अंदाज में किया भी है और मैंने अपने मजमून का उनवान पेशाकश मोहब्बत की शायरा दिया है, तो आप जब इसमें की किताब पढ़ेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। मैं इनके शेर कोट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए वो सारे शेर मैंने कोट कर दिए हैं जो अपने तासुर के दिल में पेश किए जा सकते हैं, वो इसलिए भी है कि आप किताब पढ़ें और किताब आपके हाथों में पहुँचने वाली है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि तानी से शायरी की मैजर पर एक दस्तखत का इम्कान पैदा हुआ है, इसे मिसाई शायरी कह सकते हैं। और दूसरी ये कि मैं वाजम जुबैर आजमी को मुबारकबाद देता हूँ कि उर्दू मरकज के नाम से उर्दू मरकज चौक कायम हो गया है और अब एक ऑथेंटिक मरकज हो गया है, इसके नाम पर एक चौक भी है। और एक अहम बात, अगर आपने इंकलाब कल या देखा होगा तो इन्होंने जुबैर आजमी और फरीद खान और मौलवी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के नाम एक मेमोरेंडम एक खत भेजा है कि महाराष्ट्र में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का जो वादा है वो तो पूरा किया जाए। और बहुत उम्मीद है अमीन पटेल साहब ने जो उर्दू असेंबली भी और हमारे अहम सियासी लीडर भी हैं उनके तवज्जो से काम बहुत मुमकिन है कि हो जाए। अब कोड ऑफ कंडक्ट शायद बहुत जल्दी आया हो जाए और तो कोड ऑफ कंडक्ट में तो ये बात नहीं हो सकती, लेकिन दोबारा अगर हुकूमत पर आ जाए और अल्लाह करे कि आ जाए ताकि जो पार्टी हम सदा मुनाफा रवैया अख्तियार किए हुए जिसने कहा कुछ और छाप कुछ और दिखाए और पॉलिसी कोई और अख्तियार की, तो हम चाहेंगे कि हमारी नुमाइंदगी हो सके चाहे वो किसी सियासी पार्टी के जरिए हो और वो उर्दू का जायजा मुझसे दिला सके। लेकिन इस मामले में जुबैर आजमी और उसके फरीद खान और सईद खान वाली कोशिशें जो हैं यकीन लायक तहसीन है और मुबारकबाद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब भाई। और उर्दू के ताल्लुक से जो कोशिशें काविशें जारी हैं उसके ताल्लुक से कुछ एक दो बातें और आपके नॉलेज में ले आऊँ कि हुकूमत महाराष्ट्र ने जो है कुछ सालों कबल ऐलान किया था उर्दू घर बनाने का और उस पर अमल पैरा भी है, शोलापुर में, नांदेड़ में और कुछ जगहों पर जो उसका संगे बुनियाद रखा गया है। मुंबई में भी उसकी कोशिश उन्होंने की लेकिन उसमें जज्बी कामयाबी मिली। हुकूमत जिसके पास बहुत ज़मीनें होती हैं वो खुद अपनी ज़मीन उर्दू घर के ताल्लुक से ढूंढने से महरूम रही, तो हुकूमत के बजाय जो है वो जो उर्दू यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू है उसने हुकूमत से रुजू होकर अपने मौजूदा डिपार्टमेंट की तौसी का मंसूबा पेश किया और उसमें उर्दू मरकज़ जुबैर आजमी साहब की बहुत कोशिशें रही। उस तौसी मंसूबे को जो है यहाँ के मुकामी जो MLA हैं उन्होंने वजीर आला की जानिब पेश किया उसको और उसके बाद यहाँ पर अभी पिछले दिनों उसका संगे बुनियाद रखा गया है, हिंदी के साथ साथ उर्दू का भी जो उर्दू भाषा भवन उस एक साथ जो है उसका संगे बुनियाद रखा गया है।
तो उसमें भी जो है मुकम्मल एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, मेहमान खाने, कई हजार स्क्वायर फीट का मंसूबा है जिस पर जो है वो काम हो रहा है। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि हिंदी बाजार और उर्दू फेस्टिवल के वक्त यहाँ पर मेयर ऑफ मुंबई आए थे, जिन्होंने जो है ऐलान किया था कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी उर्दू घर जो है उसको तामीर करेगी। तो वो मामला भी जो है वो पूरी तरह से अभी जिंदा है और उसके ताल्लुक से जो बजट आया फरवरी मार्च में मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो उसमें उर्दू घर के कयाम के लिए एक टोकन रकम उन्होंने जो है डाल दी है उसके बजट में, और बहुत ही तुलदेही के साथ जो है यहाँ पर उर्दू घर के कयाम के लिए मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खाली प्लॉट और उसके अलावा ऐसी इमारत जो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रिजर्वेशन में बिल्डर को बनाकर हैंडओवर करनी पड़ती है, जिसे कम्युनिटी सेंटर या हॉल कहा जाता है, तो उसकी तलाश भी जारी है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, जो इंशाल्लाह उर्दू मरकज के जेरे तहत और जेरे निगरानी रहेगा आइंदा, तो वो भी काम जो है पूरी तरीके से जारी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह उसकी भी खुशखबरी आप सुनेंगे कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उर्दू घर के लिए जो है कोई जगह दस्तियाब हो गई है। तो हम लोग इस बात पर बहुत खुश हैं कि महाराष्ट्र में यूँ देखिए तो उर्दू अकेडमी का एक दफ्तर यहाँ पर ओल्ड कल्चर हाउस में पाया जाता है, वरना हमने जब मेयर ऑफ मुंबई यहाँ पर आए थे तो हमने उनसे खुद कहा था कि उर्दू मरकज भी जो है वो बेघर और बेछत है और कोई हम लोग भी जो है रचिता अली तरह जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेहरबानी से उनके जो है किराएदार हैं जब तक वो उनके रेमो गरम पर है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि कई जगह पर उर्दू को छत फराहम हो रही है और उर्दू घर जो है कायम हो रहे हैं और उसमें उर्दू मरकज हमेशा की तरह से अपनी हर मुमकिन कोशिश और रोल जो है अदा करेगा। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो है एक शेरी नशीत होगी, क्योंकि बहुत सारे मुंबई के अच्छे शोरा और शायरा यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरी तमाम शोरा से चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है इसलिए गुजारिश है कि सिर्फ एक गजल यहाँ पर पेश करें और मैं इस मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जनाब शकील वासी साहब को आवाज देता हूँ कि वो आए और शोरा हजरात से और शायरा से गुजारिश है कि वो अपना नाम जो है उनके पास दे दें जो अपना कलाम यहाँ पर जो है पेश करना चाहते हैं। शकील वासी साहब, मैं दो तीन मिनट के लिए जो है वो प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो इसको रोकता हूँ ताकि शकील साहब के पास आपके नाम आ जाए। ऐसे तो नाम हमारे पास है लेकिन फिर भी अगर कोई जो है रह गया हो तो अपना नाम जो है लिस्ट में आकर जो है दाखिल करवा। उस पर अना के जोंग से रिश्ता पुराना, कुछ तो मिजाज उसका जरा जा रेहाना था, उस पर अना के जोंग से रिश्ता पुराना। नासूर बन के जख्मे जिगर चीखते रहे, नासूर बन के जख्मे जिगर चीखते रहे, मेरे कमाल जब्त का ये शाखसाना, मेरे कमाल जब्त का ये शाखसाना था। कर कर के अहद तोड़ना उसकी शरिस्त थी, कर कर के अहद तोड़ना उसकी शरिस्त थी, मुझको तो अपने प्यार का बाधा निभाना था, मुझको तो अपने प्यार का बाधा निभाना था। यूं भी कई दिनों से था ये दिल भरा हुआ, यूं भी कई दिनों से था ये दिल भरा हुआ, तुझको गले लगाना तो बस एक बहाना। यूं भी कई दिनों से था ये दिल भरा हुआ, तुझको गले लगाना तो बस एक बहाना। पहले पहल के इश्क में कैसा सुरू था, पहले पहल के इश्क में कैसा सुरू था, गोया के सारे शहर का मौसम सुहाना, गोया के सारे शहर का मौसम सुहाना था। ऐसे
तब से अब कहा कच्चा घड़ा था पैर के उस पार जाना, कच्चा घड़ा था पैर के उस पार जाना था। ऐसे जुनून इश्क की तमसील अब कहा कच्चा घड़ा का पैर के उस पार जाना था। एहसास कुछ तो अपनी अता का भी था शरीक, एहसास कुछ तो अपनी अता का भी था शरीक, उस पर तेरा सुकून बड़ा काजियाना, उस पर तेरा सुकून बड़ा काजियाना। मिलना बिछड़ना प्यार वफा कज अदाइयां, मिलना बिछड़ना प्यार वफा कज अदाइयां, शाजी हमें हयात का बस ये पसंद। वो फूले कृष्णा नदी से वो मर न जाए कहीं, वो फूले कृष्णा नदी से वो मर न जाए कहीं, अना के जौम में जहां से गुजर न जाए कहीं। वो फूले कृष्णा नदी से वो मर न जाए कहीं, अना के जौम में जहां से गुजर न जाए कहीं, जुनून की राह में मंजिल मिला नहीं कहीं, जुनून की राह में मंजिल मिला नहीं करती, दुआ है रायगा उसका सफर न जाए कहीं, दुआ है रायगा उसका सफर न जाए कहीं। इस एक पल को तो जी भर के आज जी ले हम, इस एक पल को तो जी भर के आज जी ले हम, मोहब्बतों का ये दरिया उतर न जाए, बने ही उसको खबर न जाए कहीं, गमे फिराक में गुजरी कई रुते चल, गमे फिराक में गुजरी कई रुते शर्जी, यूं ही बहार का मौसम गुजर न जाए कहीं, यूं ही बहार का मौसम गुजर न जाए। रेखा की हरमाइश पर दोबारा से एक शेर, वो फूले कृष्णा नबी से वो मर न जाए, वो फूले कृष्णा नबी से वो मर न जाए कहीं, अनार के सौम में जा से गुजर न जाए। एक गजल है जरा सवालिया अंदाज लिए हुए, शायद किसी के पास उसका जवाब। मोहब्बत है मेरी अनमोल लोहे, मोहब्बत है मेरी अनमोल लोहे, जमाने से अदावत मोल लोहे, जमाने से अदावत मोल लोहे, बहुत नायाब होते जा रहे हो, बहुत नायाब होते जा रहे हो, कहो मिलने का कितना मोल लोगे, कहो मिलने का कितना मोल लोगे, बहुत नायाब होते जा रहे हो, कहो मिलने का कितना मोल लोगे। खरे खोटे की कीमत मैं ना जानू, खरे खोटे की कीमत मैं ना जानू, कसौटी पर तुम अपनी तोल लोगे, कसौटी पर तुम अपनी तोल लोगे। सभी की उंगलियां उठने लगी, सभी की उंगलियां उठने लगी हैं, भरी महफिल में क्या सच बोल लोगे, सभी की उंगलियां उठने लगी हैं, भरी महफिल में क्या सच बोल लोगे। मेरे अंदर बहुत सी तकलीफें, मेरे अंदर बहुत सी तलखियां हैं, रगे जामे तुम अमृत घोल लोगे, रगे जामे तुम अमृत घोल लोगे, और मक्ता अर्
अना के उफल जंग आलूद शाजी अली बाबा ये सनसन खोल लो, अली बाबा ये सनसन खोल लो। ये एक मिसरा पढ़ा दिया गया था जिस पर ये पूरी गजल लिखी गई है। मिसरा पढ़ा था कि ये दिल है मेरा आपकी जागीर नहीं, ये दिल है मेरा आपकी जागीर नहीं, पैरों में मेरे हल्का जंजीर नहीं, पैरों में मेरे हल्का जंजीर नहीं है, पर तुमसे मिले ऐसी भी तकदीर नहीं, पर तुमसे मिले ऐसी भी तकदीर नहीं है। आंगन में ना पीपल है ना झूला है ना सखियां, आंगन में ना पीपल है ना झूला है ना सखियां, ये तस्वीर मेरे हाथ की ताबीर नहीं, ये तस्वीर मेरे हाथ की ताबीर नहीं है। कसम, ये कसम मेरे हाथ की ताबीर नहीं है। इसला का शुक्रिया मोहम्मद। या मेरा मुकद्दर है सदा दर्द को सहना, या मेरा मुकद्दर है सदा दर्द को सहना, या दस्ते मसीहा में वो तासीर नहीं, या मेरा मुकद्दर है सदा दर्द को सहना, या दस्ते मसीहा में वो तासीर नहीं। दुनिया को हिला सकती नहीं सिर्फ सदाएं, दुनिया को हिला सकती नहीं सिर्फ सदाएं, सीनों में अगर हुर्मत तकबीर नहीं, सीनों में अगर हुर्मत तकबीर नहीं, जो शख्स मुजयन था दिलो जामे अजल, जो शख्स मुजयन था दिलो जामे अजल से, एल्बम में उसी की कोई तस्वीर नहीं, एल्बम में उसी की कोई तस्वीर नहीं है। जो शख्स मुजयन था दिलो जामे अजल से, एल्बम में उसी की कोई तस्वीर नहीं है। ये शेर जो है वो हासिल गजल है, सुनिए। मिट्टी से बनाते हैं चलो ताजमहल हम, मिट्टी से बनाते हैं चलो ताजमहल हम, ये प्यार अमीरों ही की जागीर नहीं, ये प्यार अमीरों ही की जागीर नहीं, मिट्टी से बनाते हैं चलो ताजमहल हम, ये प्यार अमीरों ही की जागीर नहीं है। हर जख्म जिगर दर्द से देता है दुहाई, गौर फरमाइए। हर जख्म जिगर दर्द से देता है दुहाई, ये किस्सा गम शोकिये तहरीर नहीं, हर जख्म जिगर दर्द से देता है दुहाई, ये किस्सा गम शोकिये तहरीर नहीं है। और इस शहर में आओ तो इजाजत है जरूरी, इस शहर में आओ तो इजाजत है जरूरी, ये दिल है मेरा आपकी जागीर नहीं, ये दिल है मेरा आपकी जागीर नहीं है। और मक्ता अर्ज है, वही जो शिकायत होती है खवातीन को, एक हम है कि दिन रात मिटे जाते हैं शाजी, एक हम है कि दिन रात मिटे जाते हैं शाजी, एक वो है जुदा होके दिलगीर नहीं, एक हम है कि दिन रात भी कह जाते हैं शाजी, एक वो है जुदा होके भी दिलगीर नहीं। एक नज़्म लिखी थी परवीन शाकिर से मुतासर होकर, परवीन शाकिर की किताब में उन्होंने एक नज़्म लिखी, उसका उनवान है इस्मे आज़म। तो ख्याल आया कि मुझे भी इस्मे आज़म पर हाथ साफ करना चाहिए।
बहुत अच्छा हुआ माँ ने मेरी सिखला दिए थे इस्म सारे मुझको बचपन, बहुत अच्छा हुआ माँ ने मेरी सिखला दिए थे इस्म सारे मुझको बचपन में, तमाम आयत कुरानी वजीफे और मुनाजात, तमाम आयत कुरानी वजीफे और मुनाजात कि जिनके विर्द से सारी बलाएं दूर रहती हैं, हिसार उनका हर आफत और मुसीबत से बचाता है, इन्हीं के हिफ्ज से होती रही मुश्किल खुशाई और मसीहा। बहुत अच्छा हुआ माँ ने मेरी सिखला दिए थे इस्म सारे मुझको बचपन में, तमाम आयत कुरानी वजीफे और मुना जाते कि जिनके विर्द से सारी बलाएं दूर रहती हैं, हिसार उनका हर आफत और मुसीबत से बचाता है, इन्हीं के हिफ्ज से होती रही मुश्किल खुशाई और मसीहा। मगर जब से वजूद उसका मुजस्सिम अजनबी बनकर, मगर जब से वजूद उसका मुजस्सिम अजनबी बनकर गुरेजा हो गया मुझसे अजाबे जानकनी बनकर, गुरेजा हो गया मुझसे अजाबे जानकनी बनकर, ख्याल आया कि शायद बस वही एक इसमें आजम माँ मुझे सिखला नहीं पाई, ख्याल आया कि शायद बस वही एक इसमें आजम माँ मुझे सिखला नहीं पाई, जिसे पढ़ने से उसकी सर्द मोहरी सर्द पड़ जाए, जिसे पढ़ने से उसकी सर्द मोहरी सर्द पड़ जाए, जो उसके दिल का जंगी उफ खोले और वो मुझको फकत एक बार इज़्ने बारियाबी दे, अजाबे नारसाई खत्म कर दे और नबी दे शादमानी। इस तरह समझे कि उसका नाम हिंदुस्तान की मुमताज शोरा में जरूर शामिल हो जाए, उस नाम को जो जब जब भी उर्दू तारीख लिखी जाए उनका नाम शामिल रहेगा। जनाब अब्दुल अहद साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप तशरीफ के बजा कि लुत्फ है दुनिया में शोर करने का, बजा कि लुत्फ है दुनिया में शोर करने का, नशा एक और है गुमनाम मौत मरने का, लुत्फ है दुनिया में शोर करने का, नशा एक और है गुमनाम मौत मरने का, और अवश्य जाम समंदर के पार करने का, अवश्य जाम समंदर के पार करने का, यही वो साहब फन जिसने आप को न मुखिल मगर हमसे बात करने का अपने दुख शेर में कहने की जो मायल हुआ मैं दर्द के फारसी होती या उर्दू होती या ज्यादा अंग्रेजी होती, लेकिन अच्छा।
सुना दीजिए तो बड़ी मेहरबानी। आइए सराबा